काम की शुरुआत करो और रेस जीत लो। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। क्या है कि हर व्यक्ति में सामर्थ्य है, हर व्यक्ति में काबिलियत है, हर व्यक्ति में कैपेसिटी है, कुछ भी कर सकता है। सवाल यह है कि उसको कोई बोलने वाला चाहिए कि तू ये कर सकता है, तुमको ये संभव है, ये पॉसिबल है, ऐसा कोई बोलने वाला चाहिए। और कोई बोलने वाला ऐसा मिल सकता है जो उसमें इंस्पिरेशन लाएगा, मोटिवेशन लाएगा, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ऐसी कोई जरूरत नहीं कि ऐसा व्यक्ति मिलना ही चाहिए, ये अंदर से भी हो सकता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, यह मुझे संभव है। और वो यदि चाहत अंदर से अपनी है तो हम हर एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। देखो, एखादी कोई भी बात है, कोई काम है, उसकी शुरुआत करनी पड़ती है और बाद में सफलता मिलती है। होता क्या है कि हम शुरुआत ही नहीं करते, शुरुआत करने के पहले बहुत सारा सोचते रहते हैं। एक चाइनीज प्रॉवर्ब है कि 1000 मील का जो सफर है वो भी आपको यदि करना है तो वो पूरा करने के लिए एक कदम आगे डालना पड़ता है और वो कदम आगे डालने की शुरुआत करनी पड़ती है तो 1000 मील का आप सफर कर सकोगे। और कोई भी सफलता हासिल करनी है तो संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा आप ही आप सफलता मिलती नहीं है। एक जगह कोई लोगों का इंटरव्यू था, ड्राइवर लोगों का, और ड्राइवर की पोस्ट थी, काफी लोग वहां आए थे और उनको ये बताया गया है कि भाई पिछले कितने भी साल में, मतलब आपके ड्राइवर के कोई भी लाइफ टाइम में आपने यदि एक्सीडेंट नहीं किया होगा तो ही आपने इंटरव्यू को आना। तो एक ड्राइवर आ गया, बोले कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और मुझे कुछ भी एक्सीडेंट मैंने किया नहीं है, सिर्फ एक दो बार ऐसा हो गया कि कोई मेरे आंग पे आ गया, किसने गाड़ी लाया तब एक्सीडेंट हुआ और मामूली एक्सीडेंट था, बाकी मेरे 25 साल के इसमें एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। दूसरा एक ड्राइवर आया था, उसको भी इंटरव्यू में जब बुलाया अंदर इंटरव्यू लेने के लिए तो उसने भी बोला कि मेरे पूरे इतने साल के लाइफ में कभी भी एक भी एक्सीडेंट मैंने किया नहीं, थोड़ी एक गाड़ी ऐसी एक बार पलटी मारी थी और वो भी मेरी गलती नहीं थी और कोई सामने वाली गलती थी और ऐसा हो गया, बाकी 25 साल में मैंने खुद ऐसी कुछ गलती करके एक्सीडेंट नहीं किया। तीसरा ड्राइवर जब आया, उसने बोला कि 25 साल में मेरे यहाँ से एक एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसकी पूरी छानबीन किया, उसके पेपर देख लिया, उसका ड्राइविंग लाइसेंस देख लिया, सब एकदम बिल्कुल सारा सब कुछ ठीक था। उसको पूछा कि भाई आपने 25 साल इतने 25 साल हो गए, 25 साल से आप देख रहे हैं, ड्राइवर है आप बोलते हो, आपने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया? बोले मैंने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया। जब उसको पूछा तो मालूम पड़ा कि इसने 25 साल से गाड़ी गैरेज से बाहर ही निकाली नहीं, तो एक्सीडेंट कैसा होगा? आपको यदि जाना है, ध्येय पाना है, तो गाड़ी बाहर निकालना पड़ेगा, रास्ते पे लानी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, गाड़ी चलानी पड़ेगी, रास्ते में खड्डे होंगे, बारिश आएंगी, धूप होंगी, काफी ट्रैफिक होगा, रेड सिग्नल्स आएंगे, जो भी होगा, मगर आपको गाड़ी बाहर निकालना पड़ेगा तो ये आपको जहां पहुंचना है वहां पहुंच सकेंगे। आपकी सोच, आपको कहां जाना है यदि आपको मालूम है और आपकी सोच यदि ऊंची है, आपका संघर्ष यदि करने की तैयारी है, तो आप कोई भी ऊंचाई पे आप जा सकते हैं, उसके लिए आपकी तैयारी होना। मगर आप जब लोगों को पूछते हैं कि भाई आप ये क्यों करना चाहते हैं, तो बोलते नहीं मेरी माँ की इच्छा है। ऐसा और किसको पूछा भाई आप क्यों करना चाहते, बोले मेरे पिताजी की इच्छा है। नहीं, आप ये क्यों कर रहे? और कोई लड़के को पूछा नहीं समाज में मुझे प्रतिष्ठा मिलेंगी करके मैं कर रहा हूं। मतलब लोग कोई पूछते जब हम, तो लोगों के लिए कर रहे हैं ऐसा बोलते, उनको खुद को चाहत है ऐसा नहीं बोलते कि भाई मेरा खुद का पैशन है। देखो, 120 करोड़ की पॉपुलेशन अपने देश की है और 120 करोड़ की ये पॉपुलेशन में आपका जन्म हुआ, इसका मतलब आपको भी ऊपर वाले ने कुछ काम के लिए यहाँ भेजा था, कुछ तो भी करने के लिए आपको यहाँ भेजा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी पैशन क्या है, मुझे करना क्या है, और वो आप देख लेते हैं कि भाई मेरे पैशन क्या है, मुझे काय में रुचि है, क्या मैं बेस्ट कर सकता हूँ, कौन सी चीज मैं बेस्ट कर सकता हूँ। यदि वो आपको समझ में आ गया तो आप कहीं भी कोई भी ऊंचाई पे आप जा सकते हैं, सिर्फ संघर्ष करने की आपकी तैयारी होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर का नाम मास्टर ब्लास्टर सब दुनिया में है, मगर उसमें उसने जब चौथी क्लास में जब उसको ये पता चला कि भाई मेरा पैशन क्रिकेट है, तो वो चौथी क्लास से क्रिकेट खेलना उसने चालू किया। उसको उसके माँ बाप ने नहीं बोला कि नहीं पढ़ाई कर, ऐसे पीछे नहीं लगे, बल्कि उसको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, सपोर्ट किया कि भाई क्रिकेट में उसका पैशन है तो खेलने दो उसको क्रिकेट। तो आप जितना जल्दी पैशन आपका ढूंढेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिल सकती है। कि आप को काय में रुचि है, कौन सा काम, पैशनेट मतलब ये है कि कौन सा काम आप बिना कुछ थके हुए, बिना कुछ खा पी के, बिना कुछ प्यास नहीं, भूख नहीं, कुछ भी नहीं है, थकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप वो काम कर रहे हैं, आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, तभी भी आप काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पैशन। पैशन की डेफिनेशन है कि यू आर कमिटेड टू डू सर्टन थिंग, आपका कमिटमेंट है, आपका दृढ़ निश्चय कुछ करने का, आप लाइक यू आर कमिटेड टू डू सर्टन थिंग विदाउट गारंटी ऑफ एनी रिटर्न्स। आपको मालूम है कि इसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तभी भी आप करने के लिए आप वचनबद्ध है और वो आप कर रहे बिना थके हुए, उसको बोलते हैं पैशन। तो आप यदि आपका पैशन ढूंढ के निकालते हो कि मेरा पैशन कौन से इसमें है, तो फिर आप जीवन के कहीं भी ऊंचाई पे जा सकते हो। तो आपका पैशन ढूंढ के निकालो, जितने जल्दी आप निकालेंगे उतना अच्छा है। किसको तेंदुलकर जैसे लोग जो है उनको चौथी क्लास में उनका पैशन मालूम पड़ा, किसको मैट्रिक में जाने के बाद में पैशन मालूम पड़ता है, कोई कॉलेज में जाता है तो उसको बाद में पैशन मालूम पड़ता है,
कोई नौकरी पे लगता है तो कोई किसको बुढ़ापे में लगता है, मालूम पड़ता है कि भाई मेरा पैशन कौन सा है। तो जहां भी आपको पैशन मालूम पड़ता है कि भाई नहीं मेरा पैशन है, उसकी मालूमात मुझे हो गई और वो पैशन के ऊपर आप काम करते हो, तो आप जिंदगी में कहीं भी कोई भी ऊंचाई पे जा सकते हो। मैंने शुरू में ही कहा शुरुआत करने की जरूरत है और उसके लिए एक कदम आगे डालना बहुत जरूरी है। अब एक कदम आगे डालोगे शुरुआत हो जाएगी, आपका अंतिम ध्येय जो है, अंतिम उद्दिष्ट जो है वो साध्य हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो हॉस्पिटल है यहाँ हम रिश्ता रोग के साथ में लोगों को भर्ती करते हैं, रिश्ता रोग के अलावा लोगों को भर्ती करते हैं। और हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। इसमें काफी लोग आते हैं, ये वीडियो आप यदि लोगों को शेयर करेंगे तो लोगों को इसका बहुत फायदा हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, शेयर करो। लोग हमको ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, नंबर नीचे दिए हुए वहां आप कॉल कर सकते हैं और आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।